सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 5 जून को यानी कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला है जबरदस्त मुकाबला, जो कि कल ही होने वाला है ये जबरदस्त मुकाबला। लेकिन इससे पहले ही एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहाँ साउथ अफ्रीका टीम के एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त बड़े खिलाड़ी हो गए हैं वर्ल्ड कप से बाहर इंजरी की वजह से। जहां डेल स्टेन अभी भी बाहर हुए हैं वर्ल्ड कप से, जहां इससे पहले खबर यह थी कि डेल स्टेन फिट हो चुके हैं लेकिन फिट नहीं हुए हैं, बल्कि और भी ज्यादा उन्हें इंजरी हो गई है और उनकी जगह पर दूसरे खिलाड़ी को भी टीम में शामिल कर लिया गया है रिप्लेसमेंट के तौर पर। तो गाइस, क्या है पूरा माजरा, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी वर्ल्ड कप 2019 के फैंस हैं, टीम इंडिया के फैंस हैं, तो कर दीजिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक। वहीं इस वीडियो के स्पॉन्सर क्या है, नोस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है, पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इसी और सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो 5 जून को होने वाला है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जबरदस्त मुकाबला वर्ल्ड कप के 8वें मुकाबले में, जो कि यह भारतीय टीम का पहला मुकाबला होगा, तो वहीं साउथ अफ्रीका टीम का यह तीसरा मुकाबला होगा वर्ल्ड कप में, जहां इससे पहले 2 मुकाबले खेल कर आई है, जहां पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार मिली थी, तो वहीं इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी हार गई थी साउथ अफ्रीका की टीम। ऐसे में इस मैच में जबरदस्त वापसी करना चाह रही थी साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन उससे पहले ही साउथ अफ्रीका की टीम के 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ी हो गए हैं वर्ल्ड कप से बाहर, जहां अभी भी साउथ अफ्रीका की टीम के जबरदस्त तेज गेंदबाज डेल स्टेन पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं शोल्डर इंजरी की वजह से, यानी कि दूसरे कंधे में चोट आ गई है और ये काफी तगड़ी चोट है जिसके चलते इन्हें पूरे वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। हालांकि इससे पहले रिपोर्ट ये थी, न्यूज ये थी कि डेल स्टेन फिट हो जाएंगे इस मैच के लिए इंडिया के खिलाफ, जो कि इससे पहले एक भी मैच नहीं खेलते साउथ अफ्रीका के लिए। हालांकि अब डेल स्टेन के बाहर होने के बाद साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने इनकी जगह पर टीम में ब्यूरन हेंड्रिक्स को शामिल कर लिया गया है, जो कि ब्यूरन हेंड्रिक्स एक जबरदस्त टी20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने जाते हैं। हालांकि अभी तक ज्यादा ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन काफी जबरदस्त तगड़े गेंदबाज माने जाते हैं और इन्हें टीम में शामिल कर लिया गया है डेल स्टेन की जगह पर। अब अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी के बारे में, तो वहीं इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ जहां साउथ अफ्रीका टीम के बेहतरीन तेज गेंदबाज लुंगी निगड़ी बाएं घुटने की चोट की वजह से पूरा ओवर भी नहीं करा पाए थे, बीच मैच में ही छोड़कर ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए थे और अब रिपोर्ट्स ये आई थी इससे पहले ही कि लुंगी निगड़ी 10 दिन के लिए बाहर हुए हैं वर्ल्ड कप से, यानी कि 10 दिन वो आराम करेंगे, एक भी मैच नहीं खेलेंगे। ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम को 2 बड़े झटके लगे हैं इंडिया के खिलाफ होने वाले मैच के लिए और साउथ अफ्रीका के लिए यह मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैच हार कर आई है और तीसरा मुकाबला अगर हारती है तो काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है साउथ अफ्रीका की टीम को वर्ल्ड कप में, क्योंकि वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सभी टीमों को कम से कम 5 या फिर 6 मैचेस जीतने होंगे, जो कि सभी टीमों को टोटल 9-9 मुकाबले खेलने हैं वर्ल्ड कप में। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने राय जरूर दें। ऐसे ही क्रिकेट की हर एक छोटी बड़ी न्यूज और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है हर एक न्यूज सबसे पहले।